नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने गुजरात के लिए अपने बहुत सारे उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं, मगर बीजेपी की लिस्ट का इंतजार है। बीजेपी के कैंडिडेट का नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन एक फॉर्मूला पार्टी की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। बीजेपी की तरफ से मैसेज दिया गया है कि इस बार टिकट में परिवार को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। अब सवाल यह है कि बीजेपी की ये तैयारी कांग्रेस की रणनीति और आम आदमी पार्टी के वादों पर कितनी भारी पड़ेगी, क्योंकि पार्टी को सबसे ज्यादा डर सौराष्ट्र में सता रहा है। बीजेपी ने टिकट बंटवारे पर यह प्लान क्यों बनाया है और विपक्षियों के पास कौन सी है काट, ये आपको इस रिपोर्ट में समझाते हैं। नरेंद्र करता भूपेंद्र ना रिकॉर्ड जोरदार होवा जोईए, एना माटे मारे काम करवू छे। हूँ महाराज रिकॉर्ड तोड़वा भागु छु आ वक्ते, और मैं झूठे वादे नहीं करता। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा। मैं 15 लाख रुपए नहीं दे सकता, मैं झूठ नहीं बोलता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सत्ता हासिल करने के लिए इलेक्शन लड़ता है, मगर सत्ता प्राप्त करके सत्ता के माध्यम से सेवा करता है, ये उसने साबित किया है। इसी के वजह से एंटी इनकम्बेंसी उसको कभी लगी नहीं है, उसका कभी उसका प्रॉब्लम आया हुआ नहीं है। बीजेपी का टिकट फॉर्मूला तैयार, गुजरात में नहीं चलेगा परिवार। कांग्रेस को रणनीति पर यकीन, क्या आपके वादे बदलेंगे सी? पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है जो लोगों से पहले अपनी अपेक्षा मांगती है और उसको पूर्ण करने के लिए ताकत लगाती है। मुझे पूरे गुजरात की जनता पर पूरा विश्वास है कि इस बार वो सब भूल जाएंगे। किसान किसान बनकर वोट करेगा, बेरोजगार युवा बेरोजगार युवा बनकर, व्यापारी व्यापारी बनकर वोट करेगा, और पूरे गुजरात में मुझे पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। ये भाजपा का जो भ्रष्ट शासन है, जनता विरोधी शासन है, इसको दूर करके कांग्रेस की जनता को न्याय दे ऐसी सरकार लाने का संकल्प से हम आगे बढ़ रहे। गुजरात की बाजी में मुद्दे अव्वल या बीजेपी का बढ़ेगा मनोबल? एक तरफ गुजरात में बीजेपी टिकट से लेकर मुद्दे तक हर मोर्चे पर बारीक तैयारी कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस है जो अपनी रणनीति से गुजरात में 27 सालों का वनवास खत्म करने को देख रही है। इन सब के बीच एंट्री हुई है आम आदमी पार्टी की, जिसने अपने वादों के जरिए गुजरात में 0 से सीधे 93 सीटों का टारगेट सेट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की तारीखों के ऐलान और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने से पहले गुजरात पहुंचे तो एक नया नारा दिया, और ये नारा था, ये गुजरात हमने बनाया है। मोदी ने रोड शो और रैली के जरिए गुजरात की जनता के दिलों में फिर से छाप छोड़ने की कोशिश की। गुजरात ने विकास यात्रा ने माटे पूरी जहमत से काम कर रहा है। प्रत्येक गुजराती, चाहे मारो आदिवासी हो, चारो मारो मावछीमारी हो, चाहे शहर में रहते हो के गामडा में रहते हो, आत्मविश्वास थी भरेलो छे। अने एटलाज माटे प्रत्येक गुजराती बोले छे, अंतर्मन नो अवाज बोले छे, प्रत्येक गुजरात ना हैया माथी नाद निकले छे, आ गुजरात मैं बनाव्यू छे। गुजरात ने नफरत फैलावनारा लोको एमने गुजरात क्यारे स्वीकार करतो नथी। जेमणे जेमणे गुजरात ने बदनाम करवानी कोशिश करी छे, जेमणे जेमणे गुजरात ने नीचू देखाड़वानी प्रयास कर्यो छे, आ गुजरात नी जनता एमने वाळी चोळीने साफ करी नाख्या छे। प्रधानमंत्री भावनगर में सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुए। ये समारोह बीजेपी के गुजरात में वोट पाने की नई रणनीति है। विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही बीजेपी सरकार ने गुजरात में ऐसे ही कई प्रोग्राम किए। फ्लाइट बनाने वाली एविएशन कंपनी का उद्घाटन, राजस्थान और गुजरात को जोड़ने वाली रेल सेवा और ताबड़तोड़ विकास कार्यक्रमों का उद्घाटन, यही कहानी कह रहे हैं।
इसके अलावा टिकट बंटवारे को लेकर भी बीजेपी ने अपना प्लान सबके सामने रख दिया। गुजरात में बीजेपी के भरूच से सांसद मनसुख वसावा चाहते थे कि उनकी बेटी को विधायक पद का उम्मीदवार बनाया जाए। पार्टी के कुछ और विधायक और सांसद भी अपने परिवार या रिश्तेदारों के लिए विधायक का टिकट चाहते थे, लेकिन बीजेपी की पैनल ने साफ कर दिया कि एक परिवार और एक टिकट का ही फॉर्मूला अमल में लाया जाएगा और जिसके बाद से विधायक और सांसदों की टिकट के लिए लामबंदी बंद हो गई। माना जा रहा है कि बीजेपी ऐसे उम्मीदवारों को उम्मीदवार बना रही है, ऐसे कैंडिडेट का चयन कर रही है जिसका इलाके में ट्रेड रिकॉर्ड अच्छा हो और इसके अलावा वो उम्मीदवार सोशल इंजीनियरिंग में यकीन रखता हो। भारतीय जनता पार्टी कोई पण नेताना सगाने टिकट नथी आपवानी। मनसुखभाई वसावा अमारा भरूचना खूब सीनियर धारासभ्य सांसद छे, पूर्व मंत्री पण छे। एमने पण दीकरीए टिकट मांगी हती, एने पण नकारवामां आवी छे। आदरणीय श्री भरतभाई डाभी अमारा सीनियर पूर्व मंत्री अने सांसद छे, एमने पण एना भाई माटे टिकट मांगी हती, एने पण ना पाडवामां आवी छे। આવા અન્ય પણ કોઈપણ જગ્યાએ કોઈપણ સગાને ટિકિટ નહીં આપવા માટેનો નિર્ણય ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કર્યો છે। सूत्रों का यह भी कहना है कि बीजेपी इस बार अनुमान से कहीं ज्यादा 20 से 25 महिला उम्मीदवारों को टिकट दे सकती। ऐसा सत्ता विरोधी लहर की काट निकालने के लिए किया जा सकता है। माना जा रहा है कि ग्रामीण इलाकों में महिला उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से ज्यादा हो सकती। इसके अलावा 40 से 45 उम्मीदवार पूरी तरह से नए हो सकते हैं। बीजेपी हर बार जो एक आरोप लगाती है कांग्रेस के ऊपर कि वहाँ पे वंशवाद चल रहा है, तो उस पर पलटवार पिछले कुछ समय से कांग्रेस भी कर रहा है कि बीजेपी में भी वंशवाद चल रहा है। कई उनके नेता जो है उनके द्वारा उनके बेटियों को और परिजनों को टिकट दिया जा रहा है विधानसभा में और लोकसभा में। तो इस आरोप को टालने के लिए गुजरात के अंदर एक परिवार एक विधायक वाली जो फॉर्मूला अपनाई गई है, तो वो चीज़ों को टालने के लिए ताकि विपक्ष उनके ऊपर पलटवार ना कर सके, तो उसके लिए बीजेपी ने ये फॉर्मूला अपनाई है और ये फॉर्मूला काफी हद तक कारगर भी साबित हो सकती है। बीजेपी की इस रणनीति की वजह बताई जा रही है गुजरात की 35 सीटों पर हार जीत का अंतर बेहद कम रहना। इन सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार 500 से लेकर 1000 वोटों से हारे थे। इनमें सौराष्ट्र कच्छ की सीटों का आंकड़ा सबसे ज्यादा था। गुजरात के इस इलाके में बीजेपी को पिछली बार गहरा धक्का लगा था, इसलिए बहुत संभावना है कि बीजेपी की लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाले चेहरे सौराष्ट्र में देखने को मिल सकते हैं। गुजरात की राजनीति में सौराष्ट्र को सत्ता की चाबी कहा जाता है और इसी सौराष्ट्र पर बीजेपी ने सबसे ज्यादा फोकस किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले सौराष्ट्र के मैराथन दौरे किए हैं और उसके बाद स्थानीय कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। बीजेपी को लगता है कि पिछले चुनाव में जिन सीटों पर करीबी हार का सामना करना पड़ा था, उन सीटों पर अगर थोड़ा सा ज़्यादा पसीना बहाया जाए तो आम आदमी पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवारों की तरफ वोट कटवा वाली उम्मीद नहीं रखनी पड़ेगी। ये यूं ही नहीं है कि गुजरात में बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान सबसे बाद में कर रही है। ये तैयारी उन मुद्दों का काट निकालने की है जिनका हवा विपक्ष पिछले कुछ वक्त से कर रहा है। गुजरात की सत्ता पर काबिज बीजेपी के सामने इस बार 10 मुद्दे ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत परेशान कर सकते हैं। आपको बताते हैं ये मुद्दे कौन से हैं और क्यों हैं। सबसे पहला मुद्दा है सत्ता विरोधी लहर का। दरअसल बीजेपी पिछले 27 सालों से गुजरात में शासन कर रही है, इसलिए यह फैक्टर बीजेपी के सामने है। मोरबी में पुल ढहने से हुआ हादसा भी बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो चुकी है। पहले कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी मोरबी हादसे को उठा रही है। गुजरात में पेपर लीक का मुद्दा भी छाया रह सकता है क्योंकि कई सरकारी परीक्षाएं पेपर लीक होने की वजह से स्थगित हो गई और नौकरी के लिए मेहनत कर रहे युवाओं में इससे नाराजगी दिख रही है। सरकारी नौकरियों का ना मिलना भी एक बड़ा मुद्दा बीजेपी के समक्ष है। दरअसल राज्य सरकार के मुताबिक 3,64,000 युवा ऐसे हैं जो शिक्षित होकर भी बेरोजगार हैं, तो जाहिर है ये टेंशन देने वाला हो सकता है। गुजरात में कॉमर्शियल बिजली की दरें 7.5 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से हैं, जबकि विपक्ष इसी को मुद्दा बनाकर बीजेपी पर हमलावर है। गुजरात के अलग अलग हिस्सों में मुआवजे को लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं।
उन्हें पिछले दो साल से बारिश की वजह से नुकसान होने पर मुआवजा नहीं मिला है। वहीं भूमि अधिग्रहण का मुद्दा भी गुजरात के वडोदरा इलाके में गर्मा सकता है, क्योंकि वडोदरा और मुंबई के बीच एक्सप्रेस वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का खूब विरोध किया गया है। इसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। आरोप लगता है कि गुजरात के ग्रामीण इलाकों में कई गांव में अस्पतालों की कमी है और डॉक्टर भी नहीं है। बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दोषियों की सजा में छूट देना भी गुजरात में एक मुद्दा बना है। इससे मुस्लिम समुदाय का वोट पाना बहुत मशक्कत भरा हो सकता है। गुजरात पहले अपनी अच्छी सड़कों के लिए जाना जाता था, मगर पिछले 5 से 6 सालों में अच्छी सड़कों का निर्माण या पुरानी सड़कों का रखरखाव नहीं हो रहा है। शहरों से ग्रामीण इलाके की कनेक्टिविटी भी नहीं हो पा रही है। हालांकि बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे ने जितना काम गुजरात के लिए किया है उसके आगे ये मुद्दे बेमानी हो जाएंगे। सत्ता के खिलाफ लहर हो, पेपर लीक का मामला हो, बेरोजगारी हो या महंगाई हो, ये सब मुद्दे हैं। इन मुद्दों से लोगों को भटकाने के लिए चुनाव के अंतिम दिनों में भावनात्मक मुद्दों पर ज़्यादा फोकस किया जाता होता है। परिणाम ये आता है कि मूल मुद्दे से चुनाव प्रचार भटक जाता है और ये जानबूझकर भटकाया जाता है ताकि लोग मूल मुद्दे पे वोटिंग ना करें और भावना में आकर भावना के आधार पर, धार्मिक मुद्दों के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, राष्ट्रवाद के आधार पर वोटिंग करें। तो इसकी वजह से भाजपा को सबसे ज़्यादा इसका फायदा मिलता है। कांग्रेस के लिए इन 10 में से मोरबी और महंगाई का मुद्दा कैश करना आसान था, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। राजस्थान में अपनी अंदरूनी कलह में उलझी रही कांग्रेस बिना फेस चुनाव में आगे बढ़ रही है। हालांकि ये अलग बात है कि जमीनी रणनीति इतनी मजबूत है कि जानकार कांग्रेस को गुजरात में अब भी नंबर 2 की पार्टी मानते हैं। गुजरात में कांग्रेस को हल्के में नहीं आंका जा सकता। पिछले कुछ चुनावों में भले ही कांग्रेस हारी हो, मगर उसकी सीटें और वोट प्रतिशत में लगातार वृद्धि हुई है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें कांग्रेस ने जोर शोर से तो नहीं उछाला, लेकिन स्थानीय स्तर पर उसे चर्चा मिला दिया है। अपनी गुपचुप राजनीति के तहत कांग्रेस ने किसानों का मुद्दा, महंगाई, बेरोजगारी और खराब सड़कों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इसके अलावा कांग्रेस कई ऐसे नेताओं को पार्टी में वापस लाने में भी सफल रही जो आम आदमी पार्टी या अन्य पार्टियों में गए थे और जिनका अपने इलाके में अच्छा खासा असर है। पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वाघेला के बेटे को कांग्रेस में शामिल कराया और फिर आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रहे इंद्रनील राजगुरु की वापसी कराई गई। माना जा रहा है कि इससे कांग्रेस के मनोबल और ग्राफ में इजाफा हो सकता है और चुनावी नतीजों में फर्क देखने को मिलेगा। हार्दिक पटेल और अल्पेश ठाकुर के बीजेपी में जाने से जितने नुकसान की आशंका कांग्रेस में पहले जताई जा रही थी, उसका असर बड़े पैमाने पर होता नहीं दिख रहा। कांग्रेस को यकीन है कि उसकी रणनीति भले ही साइलेंट रही हो, मगर नतीजे वाले दिन गुजरात में वाइब्रेंट होगी। राहुल गांधी भी इसी रणनीति के तहत गुजरात में फोकस कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में ब्रेक लेकर गुजरात में प्रचार के लिए पहुंच सकते हैं। वो 10 नवंबर को वडोदरा में जनसभा करेंगे। इंद्रनील राजगुरु और शंकर सिंह के बेटे को वापस लेने की जो रणनीति है उसके अंदर एक चीज़ कांग्रेस ने देखी है कि अपर सेगमेंट के अंदर अगर इंद्रनील राजगुरु जो है वो ब्राह्मण परिवार से हैं और ब्राह्मीण होने के कारण, और दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर ब्राह्मीण नेताओं को काफ़ी हद तक निग्लेक्ट किया गया है। सौराष्ट्र के इलाके के अंदर अपर का सेगमेंट जो है, अपर क्लास सेगमेंट, उसके अंदर कांग्रेस को फ़ायदा मिल सकता है। तो इसीलिए इंद्रनील राजगुरु की जो घर वापसी है उस हिसाब से देखी जा रही है। और जहाँ पे ओबीसी मतदाताओं में शंकर सिंह वाघेला की पकड़ अच्छी है, शंकर सिंह वाघेला को उनके बेटे को वापस कांग्रेस में लिया है, तो शंकर सिंह वाघेला की जो कुने हैं, राजनीति कूटनीति, राजनीति ताकत है और कूटनीति जो वो जानते हैं उसका लाभ यहाँ पे लेने की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस को इस बार गुजरात चुनाव से काफी उम्मीदें हैं। वजह है उनके प्रदर्शन में निरंतरता रहना। दरअसल पिछले कुछ चुनाव से कांग्रेस के आंकड़े बेहतर होते रहे हैं। साल 1998 में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को 53 सीटें मिली थी, मगर वोट मिला 34.85%। अगली बार राज्य में 2002 में चुनाव हुए, इस बार कांग्रेस की सीटें घटकर 50 पर आ गई, मगर वोट प्रतिशत बढ़कर 39.28% पर पहुंच गया।
2007 के चुनाव में भी कांग्रेस अपने प्रदर्शन को दोहराने में सफल रही। इस बार कांग्रेस की सीटों का आंकड़ा 59 पर पहुंच गया। हालांकि वोट फीसदी के मामले में थोड़ा घट गया, जो कि 38% पर पहुंच गया। 2012 में जब मोदी के गुजरात का सीएम रहते हुए चुनाव हुआ, तब भी कांग्रेस की 60 सीटें आई थी। 10 साल पहले हुए चुनाव में कांग्रेस को 38.93% वोट मिले। इसके बाद 2017 में कांग्रेस ने इन सभी चुनाव से बेहतरीन नतीजे दिखाए। कांग्रेस को पिछले चुनाव में 77 सीटें मिली और वोट फीसदी में उछाल दिखा। 2017 में कांग्रेस को 41.44% वोट मिला। यही वजह है कि कांग्रेस को गुजरात में इतने हल्के में लिया भी नहीं जा सकता है, और ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक चुनावी रैली में कह चुके हैं। इसलिए तमे छापा में ना आवतु होय, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता होय, भाषण ना करता होय, ब्रह्मा ना रहता भाई, सतर्क रहजो। गुजरात में बीजेपी की तैयारी जमीन पर दिख रही है। कांग्रेस की रणनीति आक्रामक न होकर भी असर डालने की क्षमता रखती है, मगर इन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है आम आदमी पार्टी के वादों की। गांधीनगर की गद्दी का निजाम बदलने की हसरत पालकर बार बार गुजरात पहुंच रहे केजरीवाल दिल्ली का विकास मॉडल और फ्री योजनाओं का वादा करने की चाल चल रहे। और मैं झूठे वादे नहीं करता, मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि मैं आपको 15 लाख रुपए दूंगा, मैं 15 लाख रुपए नहीं दे सकता, मैं झूठ नहीं बोलता। मैं जो काम दिल्ली में करके आया हूं, जो काम मैंने करके दिखाया है, वही काम की बात कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की तर्ज पर जनता से राय लेकर गुजरात में अपना सीएम कैंडिडेट तय किया। करेंसी पर गणेश लक्ष्मी की फोटो लगाने की डिमांड कर हिंदुत्व की गुगली फेंक दी, खुद को कांग्रेस का विकल्प बताकर नई स्ट्रेटजी चल दी। ये बातें केजरीवाल को गुजरात में लाइमलाइट तो दिला रही है, मगर इनका असर भी इतना ज्यादा होगा ये कहना जल्दबाजी होगी। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में जितने वादे किए हैं उतने किसी और राजनीतिक दल ने नहीं किए। एक तरफ केजरीवाल ने सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड चला, तो दूसरी तरफ उन्होंने पंजाब और दिल्ली का फॉर्मूला भी अपनाया। खास बात यह है कि बीजेपी जिन मुद्दों के साथ गुजरात की राजनीति में अब तक उतरती रही है, केजरीवाल ने भी वही तरीका अपनाया, लेकिन नजरें कांग्रेस के वोट बैंक पर टिकी रही और इसीलिए उन्हें गुजरात की राजनीति में सीरियसली लिया जाने लगा। हालांकि गोपाल इटालिया और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह के बयान आम आदमी पार्टी के खिलाफ विपक्ष को सियासी तीर मिल गए। जानकारों को लगता है कि गुजरात की ये नई पार्टी अपने वादों और दावों से फायदा पा सकती है, मगर दूसरे नंबर की पार्टी बन जाए ऐसा भी होता नहीं दिख रहा। आम आदमी पार्टी के बारे में लोग चर्चा जरूर कर रहे हैं, लोग परिवर्तन की बात जरूर कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि एक बार अरविंद केजरीवाल को मौका देना चाहिए। जब तक ये चर्चा है, ये मानना, ये परिवर्तन की बातें करने वाले लोग पोलिंग बूथ में जाकर सही मायने में आपके लिए वोटिंग करेंगे, तभी पता चलेगा कि इनके वादों की असर, अरविंद केजरीवाल की असर कितनी मतदाता पे हुई है। हाँ, एक बात ज़रूर है जो राजनीतिक तौर में कहा जाता है कि क्या आप चर्चा का मुद्दा बने, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने जिन वादों के ऊपर, जिन बातों के ऊपर जोर दिया, उसकी वजह से वो चर्चा का मुद्दा जरूर बने हैं। गुजरात में 2 चरणों में मतदान होगा, जाहिर है सबका जोर पूरा है। हालांकि जनता किस पार्टी की तरफ देखती है, ये हमने अलग अलग मुद्दों और नेताओं के जरिए लोगों से जाना। इस बार के चुनाव में थोड़ा टक्कर होगा, मगर कामगिरी भाजपा की यहाँ दिख रही है, काम किया है उसने, तो क्रेज भाजपा का रहता है। टक्कर में कौन है? टक्कर में आम आदमी पार्टी है, वो थोड़ा दूसरे लोगों को ले सकती है। सबको चेंज चाहिए, सबको अभी नया चाहिए, इसलिए सब दो पार्टी से अभी है ना, सब बोर हो गई है, अब आपको भी मौका देने वाले हैं। आप आई है गुजरात में, मगर चलने वाली नहीं है। शोर हल्ला तो बहुत कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, मगर चलने वाली नहीं है। चलेंगे नहीं? नहीं चलेगी गुजरात में, तो भाजपा ही चलेगा। आमने सामने बैठते हैं तो सब करते हैं कि भाई इस बार केजरीवाल है, जो वो है उनका क्या होगा, वो अच्छी सीटें आएगी उनकी, आएंगी वो कहते हैं, मगर भाजपा से नहीं, भाजपा जितना नहीं वही आएगी। हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा की चर्चा होती है। इसमें ऐसा है, तीसरी पार्टी जो है आम आदमी पार्टी जो आने में है, शोर ज़्यादा है, काम की वजह में वो लोग अभी क्या अनुभव कम है उसमें,
आम आदमी पार्टी के लिए बातें तो करके गए, हम पानी देंगे, बिजली देंगे, ये देंगे, लेकिन गुजरात में ऐसा है कि लोगों को मुफ्त का कम फाता है, सब अपने हिसाब से ही चलते हैं और सालों से जो भरोसा है बीजेपी पे वही पे निर्भर रहते हैं। गुजरात में 27 सीटें आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए आरक्षित हैं और इन्हें अपने पाले में लाने के लिए सब पासे फेंक रहे हैं। पीएम मोदी ने रविवार को इसी समुदाय का दिल जीतने की कोशिश की। बीजेपी को उम्मीद है कि यहां 20 सीटें उसे हर हाल में मिल जाएंगी, लेकिन सियासी पंडित मोदी मैजिक और आपके वादों के बाद भी यहां कांग्रेस की रणनीति को ज्यादा असरदार मानते हैं। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।